नाम मेरा धर्मेंद्र है और वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत मैंने आज से ठीक 9 महीने पहले करी थी स्टडी के साथ साथ। और जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मेरे साथ बहुत सारे चैलेंज आए थे। लोग कहे थे कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हो तुम्हारा तजुर्बा हमारे धूप में ऐसी बात सफ़ेद नहीं हुए, पर मेरे जो ड्रीम थे और जो मेरी घर की कंडीशनर थी उन्हें देख देख के मैंने कि नहीं, मुझे कुछ लाइफ में यूनिक करना है। क्योंकि जॉब तो आजकल हर कोई आदमी कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल छोटा सा बताना चाहूँगा कि पहले क्या था, जब मेरे दादा कहते थे कि बेटा 940 में मैं 1 रुपये में पूरा बाजार करके लेके आता था, फिर भी मुझे चंद पैसे बचा जाया करते थे। और फिर क्या हुआ, फिर मेरे दादाजी कहते थे बेटा 1960 में क्या हुआ करता था, मैं 10 रुपये में पूरी मार्केट कर लिया करता था। जैसे फिर थोड़ी और कैटेगरी बढ़ी, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा 100 रुपये में मैंने पूरे अपने शादी कर ली थी। सोच के देखो, 100 रुपये में अगर किसी की शादी गए तो उस टाइम 100 रुपये कितनी वैल्यू थी। फिर हुआ क्या, 1980 आया, 1980 में 1000 रुपये हो गई महीने की। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए तो अब हमारी कैटेगरी आई। जब हमारी कैटेगरी आई थी तो 2000 में क्या होता था, जो बंदा 10,000 कमाता था वो बिल्कुल हैप्पी था और उसको कोई टेंशन नहीं थी। बट जैसा आप देख रहे हो कि 2019 चल रहा है कंटिन्यू, देन अब 2020 भी आएगा, आपको लगता है कि आप जैसे आप कमा रहे हो जैसे अर्न कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी महीने की इनकम 1 लाख होगी? ऑब्वियस हर किसी जवाब आता है नो। व्हाई? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उससे कभी जो हमारे ऊपर वाला 1 लाख नहीं कमा पाए तो हम कैसे कमा पाएंगे? पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी शेयर करना चाहूँगा, आज जो एक इंडस्ट्री है ये ऐसी फैल चुकी है जैसे जंगल में आग लगती है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हवा फैलाती जाती है। तो ऐसी मैं एक कंपनी बारे में आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती हैं, पर मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा उसका नाम वेस्टीज है। और वेस्टीज के अंदर आप लोगों ने, अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट करूँ तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे को कुछ पैसा नहीं आया था। पहला जो मेरा चेक था वो 346 रुपये का था, पर धीरे धीरे मैं डटा रहा, लोगों के चैलेंजेस आए। कई लोग कहते हैं कि मेरे चाचा ने करके देखी थी, इसने करके देखी थी, उसने करी, वो कहते हैं बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? ये लोग आते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, नो, बट मैं आया था लॉन्ग टाइम के लिए। मैंने 1 से 2 साल, कंपनी का ओनर खुद कहता है पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल कमाना है, पर लोग उल्टे में चले जाते हैं। लोग क्या कहते हैं, पहले साल कमाना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल सीखना है, इसलिए लोग पैसा नहीं कमाते, फिर वेस्टीज छोड़ देते हैं। पर मैं डटा रहा। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ, जो मेरे लास्ट मंथ की जो मेरी हाईएस्ट इनकम गई है वेस्टीज की बदौलत, मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गॉड एंड गौतम बाली जी। मेरा लास्ट मंथ का जो मेरा चेक गया है 24,722 रुपये। अगर मैं वेस्टीज से 9 महीने की बात करूँ, टोटल मैं अर्निंग वेस्टीज से मैक्सिमम 19,000 रुपये कमा चुका हूँ। 19,000, सोच भी नहीं सकते कि एक 12वीं क्लास का बच्चा आज 25,000 रुपये कमा रहा है। बिलीव नहीं, मेरे घर वालों को बिलीव नहीं होता कि तू किस कंपनी में पढ़ गया, ये वो अपनी जगह ठीक है। वाई? क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है, उन्हें मेरे को ये बोला बेटा पढ़ना है लिखना है तो ये जॉब करनी है। आज तक कभी कि आपको किसी ने बोला बेटा पढ़ लिख बिजनेस कर? क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा हमारे घर पास है नहीं। जब पैसा नहीं है तो बैक सपोर्ट नहीं होगी, जब बैक सपोर्ट नहीं है तो फिर रिस्क हमारे पास। आजकल तो इतना कंपटीशन हो चुका है कि मेरी खुद की अग्रवाल सीट है, जहाँ मेरी है उसके सामने 2 और हैं। जो क्वांटिटी मैं देता हूँ वही क्वांटिटी, उससे कम क्वांटिटी वो देते हैं। इतना कंपटीशन आ चुका है कि आप अगर कोई सा सिस्टम खोलना चाहते हो तो बगल वाला ओपिनियन आपके बैठा है। अगर मैं चीज 10 की बेचता तो वो 8 की बेचेगा, अगर मैं 8 की बेचूंगा तो वो 6 की बेचेगा। इतना कंपटीशन आ चुका है, रिस्क। एक साल तक किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आता। आप सोचो कि नहीं, स्टार्टिंग में बिजनेस लगाता हूँ। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका दिवालिया निकल गया है, एग्जाम्पल किंग फेसर, जेट एयरवेज, येस बैंक। अगर ऐसे ऐसे शख्स नहीं टिक पाए इस इंडस्ट्री के अंदर तो हमारी क्या है? उन्होंने करोड़ लगाया तो उनका लाखों भी नहीं आता। आज मैं कल गया था रमेश नगर के अंदर, एक 7#7 होटल है, तो मैंने वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया था, मैंने खाया, तो मैं उसके मालिक से बात करी, मैं सर कितने नहीं हुए थे महीने की, कि सर अर्निंग छोड़ो ये पूछो महीने कितना लॉस में आता हूँ। उन्होंने जब मुझे बताया था ना तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी कि सर कमाता कुछ नहीं हूँ, मैक्सिमम महीने का 1 से 1.5 लाख रुपये मैं सिर्फ इस दुकान का ब्याज भरता हूँ जो मैंने लगाया था करोड़ों में, फिर भी सर टिको, क्या सर उम्मीद पर दुनिया कायम है। थैंक यू सो मच।